एक्सक्यूजेस तो हर तरफ मिलते भी हैं, बिन बुलाए आ भी जाते हैं, और याद ना करें तो एक्सक्यूजेस सामने आते हैं। काश ऐसा वैसा वो ये हम नहीं, यानी कि एक्सक्यूजेस का आना और डिस्ट्रैक्ट करना, ये तो आप जानते होंगे। क्या आप कभी डिस्ट्रैक्ट हुए हैं एक्सक्यूजेस से? क्या आप जानते हैं कि ख्वाहिश हकीकत में क्या है? तीन निशानियां ख्वाहिश की। हम ख्वाहिश तो करते हैं, क्या वो हकीकत में ख्वाहिश है? किस तरह से स्टडी हमारे सामने शेयर करती है ख्वाहिश को। वेलकम बैक टू करें हिम्मत शो। हियर आई एम माविया तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। तीन स्टेप्स शेयर करूंगा। ज्यादा लंबी चौड़ी बात करना और बात को खींचना मेरे सेशन में नहीं होता। टू द पॉइंट बात करना मेरे सेशन में होता है, जिसकी वजह से ही शायद मेरा चैनल टॉप रैंकिंग ट्रेंडिंग में है, ये तो सब आप जानते हैं। ETC नंबर वन स्टेप, ख्वाहिश मांगना। किससे मांगना, क्यों मांगना, कब मांगना, कहां से मांगना, किस तरह से मांगना, रो के मांगना, हंस के मांगना, यानी मांगना ही मांगना। हमारा मांगना तो किससे मांगना। नंबर टू स्टेप में आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ख्वाहिश में जब मांगा जाता है तो किस तरह से मांगा जाता है। मैं किसी भी कामयाब शख्सियत की बात करूं तो मांगा गया, यानी कि कामयाबी को मांगा गया, किस तरह से, एक ही खुदा से, एक ही फोकस से। डू वन थिंग, एक बार फिर आप मेरे साथ ये बोलेंगे, डू वन थिंग, एक बार और बोलेंगे, डू वन थिंग। हमारा एक ही काम को बार बार करना, बार बार करना, बार बार करना। कब तक करना? जब तक आने ना लग जाए, जब तक आने ना लग जाए, जब तक आने ना लग जाए तब तक करना, जब तक आने ना लग जाए तब तक करना, बार बार करना। तो जैसे ही हम एक खालिक व मालिक, एक खुदा से, एक यूनिवर्सल के लॉ से मांगते हैं, तो आसानी से हमारी जिंदगी में हम ख्वाहिश को जानते हैं। ख्वाहिश हम सब करते हैं, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। तो इस काश में फिर आता है हमारा जिंदगी का, यानी कि हम अपनी जिंदगी से मजीद लगाव करते हैं। हमें पछतावा नहीं होता, एक्सक्यूजेस नहीं आते। ये कब होता है? नंबर थ्री स्टेप, लास्ट बट नॉट लीस्ट। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक, साइकोलॉजी इसको नहीं मानती कि हम ख्वाहिश करते हैं, यानी कि ख्वाहिश को साइकोलॉजी नहीं मानती। साइकोलॉजी अपनी स्टडी को मानती है, यानी कि जो उनकी स्टडी हुई, ख्वाहिश है तो है क्या, तो सामने आया गया कि ख्वाहिश कुछ भी नहीं, यानी कि हमारा अपने लेवल को बढ़ाना, इसको साइकोलॉजी अपने अल्फाज में बयान करती है। यानी कि हमारा अपनी जिंदगी में अपने इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम मौजूद हैं, ये कहना इनफ इज इनफ। ये मैं किसी भी बिजनेस बड़े मैन की बात करूं, जो भी जिसने बड़ा बिजनेस में कुछ अचीव किया, उसका एक सेंटेंस जो वो शेयर करते हैं और आगे अपने आप पे, अपनी जिंदगानी पे भी इंप्लीमेंट करते हैं, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे इनफ इज इनफ। तो जैसे ही हम अपनी जिंदगानी में इसे अप्लाई करते हैं, तो आसानी से ख्वाहिश को बढ़ा देते हैं, अनदर लेवल पे जाते हैं, अपनी जिंदगानी को पहचान लेते हैं, जिंदगी से लगाव हो जाता है। मुझे यकीन है कि आज के सेशन में आपने ये जाना होगा कि क्या है ख्वाहिश। अपना आप सब बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।